जनरल वीके सिंह। नमस्कार सर, सर 2019 का चुनाव आप किस मुद्दे पे लेके लड़ रहे हैं? जनरल वीके सिंह जिंदाबाद, जनरल वीके सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता बोलेगी सुनेंगे सब, बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, बोल इंडिया बोल में आपका स्वागत है। मैं रोहित कौशिक, आज हमारे साथ जुड़े हैं सुनील शर्मा जी, साहिबाबाद के विधायक हैं। उनसे जानेंगे सर 2019 में बीजेपी किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में सरकार बनाने जा रही है। चुनाव तो जनता लड़ रही है। मोदी जी हो चुकी है बीजेपी की सरकार बननी, बीजेपी की सरकार तय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है, एक बिना भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार कैसे चलती है मोदी जी ने दिखाया है, देश की मजबूती कैसे होती है मोदी जी ने दिखाया, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति मोदी जी ने दिखाया। और अगर हमारे यहाँ कोई आतंकवाद फैलाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस उन्होंने दिखाई, सर्जिकल स्ट्राइक कर एयर स्ट्राइक करके सरकार अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ेगी। सर अखिलेश और मायावती का गठबंधन हो जाता है, राहुल जी अपनी प्रियंका बहन को लेके आ जाते हैं, और फिर जो अरविंद जी रह जाते हैं वो भी गठबंधन में जाके मिल जाते हैं, तो विपक्ष को आप किस नज़र से देख के चलते? कुछ नहीं, विपक्ष जनता को फैसला करना, विपक्ष को नहीं फैसला करना, जनता मोदी जी के साथ। सर 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सर हमारे साथ सारी कंट्रियाँ साथ में, बस एक चाइना को छोड़ के, वो उसको आप कैसे अपने पक्ष में लेके चलोगे भारत के? सब किसी के पक्ष में नहीं रह करते, चाइना भी आज न्यूट्रलाइज है और देश मजबूत है। आतंकवाद को हम खात्मा करके छोड़ेंगे, फिर मारेंगे फिर पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, आतंकवादियों को हम नहीं छोड़ेंगे। सर मेरा ये आखिरी सवाल आपसे ये है, विपक्ष का ये कहना है कि पुलवामा पे वोट बैंक बना रही है बीजेपी, उस बारे में क्या कहें? विपक्ष बौखला गया, मानसिक संतुलन खो बैठा, मोदी जी की लोकप्रियता को बढ़ता देख। ये थी राय सुनील शर्मा जी की, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बोल इंडिया बोल। नमस्कार।